अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप के सारे देखने वाले होंगे भाई ठीक ठाक। तो काफ़ी गर्मी हो चुकी है और हमारे भी एग्ज़ाम एंड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी गर्मी की वजह से डेरा इस्माइल खान की, खैर गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आज दोस्तों ने प्लान किया है कि क्यों ना भाई स्विमिंग पूल पे जाया जाए और किया जाए इंजॉय। तो अभी मैं रेडी हूँ, निकलने लगा हूँ स्विमिंग पूल पे। दोस्त आप रेडी पहुँच चुके हैं, सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए निकलते हैं और आज इंजॉय करेंगे स्विमिंग पूल पे। तो आपने जुड़े रहना है हमेशा की तरह मेरे साथ। अभी निकल चुके हैं स्विमिंग पूल की तरफ और अभी दरिया बांध पे हैं। मैंने जाना है पार्क व्यू सिटी, वहाँ पे है स्विमिंग पूल और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। यकीन करें कि बाइक चलाते वक्त इतनी ज़्यादा गर्म हवा जिस्म को छू रही है, लेकिन बस हम जल्दी जल्दी से इंशाल्लाह पहुँचेंगे स्विमिंग पूल पे और फिर वहाँ पे करेंगे फुल हल्ला गुल्ला। अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल कच्चे रोड पे और दोनों तरफ रोड के आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत बागात, लीमू और घास भी उगा हुआ है, आम भी हैं और इसके अलावा खजूर भी है। तो सामने हमें दिख गया है स्विमिंग पूल, कुछ दोस्त वहाँ पे निहा भी रहे हैं और हमारा वेट कर रहे हैं। तो भाई इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म, हम भी पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर अभी लगाते हैं बाइक को छांव में और दोस्त भी यहाँ पे सामने बैठे हैं सारे। तो भाई जान फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं स्विमिंग पूल पे। दोस्त अभी यहाँ पे धो रहे हैं गोश्त, तैर भाई, मैदी भाई और मज़म भाई। ये पड़ा है भाई पीड़ा बड़ा सा जिस पे सामान वगैरह रखा हुआ है। बाइक भी पार्क हमने यहाँ पे कर दिए। अभी आपको मैं दिखाता हूँ लोकेशन, बहुत ही प्यारी लोकेशन है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे माल्टे के बाग, ये सामने आपको देखने को मिलेंगे अंगूर के बाग और उसके फ्रंट पे है आम के बाग। तो ओए होए होए, ये है भाई स्विमिंग पूल के साथ अंगूर का बाग और अंगूर लगे हुए हैं माशाल्लाह बड़े बेहतरीन। ये देख सकते हैं स्विमिंग पूल के साथ साथ मुफ्त वाले अंगूरों के भी मज़े। चलो भाई अब चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। तो अभी स्विमिंग पूल मुकम्मल तौर पर भरा नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा है और ये देखें भाई कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है। आपको यकीनन व्यू काफ़ी पसंद आएगा, ग्रीनरी ग्रीनरी। और यहाँ पे देखें भाई लड़के कर रहे हैं शुगल मस्ती मौज मस्ती। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं भाई, यहाँ से व्यू और भी खूबसूरत दिखने को मिलेगा। वाओ ये देखें भाई बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा, नेचर ही नेचर। और उसके साथ होगी हल्ला गुल्ला, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इंशाल्लाह बड़ा शुगल मिला करेंगे। अब आती है बारी भाई कुछ अलग करने की, तो दोस्तों ने सोचा क्यों ना लगाया जाए ऊपर से जंप। तो हर एक दोस्त अपने स्टाइल से लगाएगा ऊपर से जंप, तो और लास्ट पे होगा मेरे वाला जंप। तो देखते हैं भाई ये वाला एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है। भाई लोगों हमें जिम्मेदारी सौंप दी गई है कुकिंग करने की। मैं और असीब जो है कुकिंग करेंगे, सामान हमें सारा यहाँ पे बराबर करके दे दिया गया है। 4000 आवाज आवर्ती है भाई। मेरी कुकिंग पहुंची एंड को, सलाद वगैरह बन चुकी है, दोस्त रेडी हैं, जगह हमने बना लिया है खाने के लिए। तो अभी भाई इंशाल्लाह इसको उतार के लेके जाएंगे उधर, खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा फिर एंजॉय करेंगे और निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हैं। ये देख सकते हैं भाई कैसी लगी आपको मेरी कुकिंग। आज बहुत ज़्यादा चिल माहौल करने के बाद, खूब इंजॉय करने के बाद काफ़ी भाई थक चुके हैं और खाना भी यहाँ पे बनाया, खाया, इंजॉय किया और
अभी कुछ दोस्त रेडी हैं जाने के लिए, हम बना रहे हैं चाय। मौज़म भाई भी थके हुए हैं। मौज़म भाई इंजॉय किया, मज़ा आया। और मैदी भैया भी बना रहे हैं चाय। ओए हो इश्क वाली चाय। तो टाइम हो रहा है अभी 5:13। हम आए थे तकरीबन 12 बजे, अभी हमें 5 घंटे हो गए हैं यहाँ पे नहाते नहाते। 5 घंटे गुजर गए और काफ़ी मज़ा आया। अब मौसम भी अच्छा हो गया है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।